रिलेटेड टू वैक्टर बट तो जितना अच्छा वेक्टर आता है चुटकियों में कर दोगे. उतना ही अच्छा आपको थ्री आता है इन शॉर्ट और चलो वैक्टर थोड़ा सा लेस वेटेज वाला चैप्टर है. तो थ्री तो बहुत अच्छे वेटेज वाला चैप्टर है, है ना? आपने तो थ्री एक अच्छा पोर्शन कैरी करता है आपके ट्वेल्थ बोर्ड सिलेबस में तो वैक्टर इसलिए बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको ठीक है चारों एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होने चाहिए बिफोर मूविंग टू वर्ड द मिसलेनियस एक्सरसाइज तो जो बच्चे डायरेक्ट इसको कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा कम समझ आएगा तो सीक्वेंस में आप लोग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विदिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस ठीक है एक्स वाई प्लेन क्या होता है हुँ. क्या

और एक होती थी वाई एक्सेस होने में तो ये भी लाइंस ही हैं होने में तो ये भी लाइंस ही हैं कोई ऐसे तो ना कोई अलग चीज है ये भी लाइंस ही तो हैं बट ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं इसलिए इनको हम क्या नाम रख देते थे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस तो अब जब अपन 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर तीन एक्सेस होती हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस तो तीन एक्सेस होती है तो ये तीन तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं ही सही लेकिन अब स्पेस के अंदर इनफाइनाइट प्लेन हैं इनफाइनाइट प्लेन है ऐसे मत सोचना कि केवल के, देखो इधर देखो मेरी तरफ सपोज करो ये रूम है अगर मैं इसको 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 एक्सिस 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 एंड मानता हूं ठीक है तो इस रूम के अंदर भी इनफाइनाइट ऐसे एक प्लेन ऐसे एक प्लेन जैसे सपोज करो ये शीट है इस शीट को मैं ऐसे रख दू ये भी एक प्लेन है इसको मैं ऐसे टेढ़ा रख दू ये भी एक प्लेन है ऐसे रख दू ये भी प्लेन है ऐसे रख ये भी प्लेन है ऐसे रख ये भी प्लेन है तो इनफाइनाइट प्लेन है इस स्पेस के अंदर बट इनफाइनेट प्लेन्स के अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी हमारे पास स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स में तीन प्लेन्स आते हैं एक्स वाई प्लेन वाई जेट प्लेन एक्स प्लेन इनकी एक खासियत होती है एक्स वाई प्लेन मतलब जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बनने वाला जो ये फ्लोर है इसको हम क्या कहेंगे एक्स वाई प्लेन क्या कहेंगे इसको एक्स वाई प्लेन किसी ने कहा वाई जेड प्लेन बताओ तो वाई एक्सिस किसको मानिए आपने इसको जेड एक्सिस इसको मानिए तो ये वाली दीवार हो गई आपकी वाई जेड प्लेन देखो तो ये वाली दीवार ये वाली दीवार और ये वाली ये तीन दीवारें आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो जाएंगे इस रूम के हिसाब से ये तीन दीवारें और ये तीन एक्सेस हो जाएंगी आपकी कोर्डिनेट एक्सेस समझ आया

पे पे किसी 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 भी 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 का 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 होता 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 है। clear है। है। है है और पर ठीक ये चीजें? Okay. तो अब उसने क्या कहा था मुझे लेटेस से कि ये है मेरी वाई एक्सिस और ये है मेरी जेड एक्सिस उसने क्या कहा था एक्स वाई प्लेन पर एक यूनिट वेक्टर लिखी है या बनाइए जो कि 30 डिग्री एंगल बनाता हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस के साथ लेटेस्ट से ये पॉजिटिव डायरेक्ट ये एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस है इसके साथ एक कोई वैक्टर है लेटेस से ये वो वैक्टर है ये वैक्टर क्या करता है थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ठीक है क्लियर है यहाँ तक यहाँ तक क्लियर है अब आप इमेजिन करो देखो मैं अलग से ड्रॉ करके इमेजिन कराता हूँ ये फ्लोर है मेरा एक्स वाई प्लेन का मतलब है फ्लोर सिंपल सी बात है क्योंकि उसमें Z coordinate 0 है 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 ना हो पा रहा बेटा ये फ्लोर है। ये फ्लोर है और फ्लोर से ये 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 एक और से तो हाइट पे तो तो पे मैं मैं गया ही नहीं, मैं वाई पर ही नहीं पर तो जो वेक्टर होगा, ये जो होगा होगा इस वाई केवल उसमेंट प्लेन की बात करूं तो थर्टी बना रहा है तो इसके साथ वो 60 का एंगल बना रहा होगा क्यों फ्लोर के अंदर एक्स एंड वाई एक्स तो है फ्लोर के अंदर एक्स एक्सन वाई तो परपेंडिकुलर है तो ये टोटल एंगल तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो नाइन्टी डिग्री तो नहीं दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि ये एंगल नाइन्टी डिग्री नहीं दिख रहा है क्योंकि अपन थ्री में बना रहे हैं बट एक्चुअली ये पैरलोग्राम नहीं है ये रेक्टेंगल है एक्चुअली अभी बनाने में हमने ऐसे बनाया अभी केवल मैं टू डी प्लेन बनाऊं तो ऐसे ही तो बनाऊंगा ये परपेंडिकुलर बनेगा पर अब थ्री डी प्लेन में से टेढ़ा बनाना पड़ रहा है तो ये नाइन्टी डिग्री है तो उसमें से थर्टी डिग्री ये ले गया तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा बेटा सिक्सटी डिग्री हो जाएगा और x एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ जो सॉरी ये वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ तो 30 डिग्री बना रहा है ये वेक्टर y एक्सिस के साथ हमने पता लगाया 60 डिग्री बना रहा है और ये वेक्टर क्योंकि ये वेक्टर क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है कहां पर है बेटा तो एक्स वाई प्लेन पर कोई भी लाइन होगी कोई भी लाइन होगी है तो ये वैक्टर ही ना वैक्टर एक लाइन ही तो होती है वो z एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बताओ 90 डिग्री क्योंकि Z axis इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है Z axis जो है बेटा वो इस पूरे प्लेन के क्या है है। तो बट ये देखो ऐसे देखो ऐसे है ये प्लेन है।, है।, है इस प्लेन पर ये वेक्टर है कहीं पर भी इस प्लेन पर ये कहीं भी वेक्टर है ऐसे और जेड एक्सिस तो यूं है तो इस प्लेन पर कहीं भी कोई वेक्टर होगा तो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री तो अभी थ्री उसमें टू प्लेन पे बनाने में दिक्कत आएगी बट आप समझे कि ये जो वेक्टर है ना ये वेक्टर इसके साथ इसके साथ परपेंडिकुलर है ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है समझ आया आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सीधा हो गया सीधा नहीं है ये प्लेन पर है ये वैक्टर तो प्लेन पर है और वो एक्सेस ऐसे हाइट पर है ठीक है तो ये जो वैक्टर है इसके साथ नाइन्टी डिग्री तो आपको ये पता चल चुका है कि ये वेक्टर ने x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस के साथ कितने कितने डिग्री का एंगल बनाया ये ये आपने पता कर लिया अब एक बार अगर आपने ये पता कर लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो।, हो लिखना है तो यूनिट वैक्टर जब भी लिखना हो तो आप उसके डायरेक्शन को निकालें और डायरेक्शन को को ही स्केलर कंपोनेंट्स मान के वेक्टर लिख दो वही तो यूनिट वेक्टर होता है समझ में आई ना बस तो हम क्या करेंगे यहाँ पेयर देखो हेयर लेटस है ये वैक्टर ओ ए है ना हेयर वैक्टर ओ ए है ना एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वैक्टर ओ एंड एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये तो गीवन है हमको है ना ये तो बच्चों हमको गीवन है कितना है 30 And since, uh, sorry, अगर ये नहीं होता तो फिर कोई गारंटी नहीं थी कि ये दूसरा एंगल वाई एक्सिस के साथ 30, 60 निकल के आएगा इमेजिन करो बेटा ये XY पे फ्लोर पर ही है ये वेक्टर ये फ्लोर पर ही है तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा जैसे भी तो वाई एक्सिस के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना ही रहा होगा ना बट अगर ये एक्स वाई प्लेन पे नहीं होता तो फिर एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो भी बना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सिस के साथ बनाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस केस में जरूरी है तो ये बात हमको लिखनी पड़ेगी सिंस सिंस वेक्टर लाइज लाइज ऑन ऑन प्लेन ये तो पूरी ज्योमेट्रिकली मैंने आपको खोल के बताई है सारी बात अब फिर इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो और शॉर्ट में करना चाहते हो तो क्या करें है ना since vector OL lies on xy plane so angle between so angle between vector oa and and y axis kya nikalenge angle between vector o and y axis kya nikalenge complementary angle of 30 degree that means 90 minus 30 degree that is 60 degree theek hai और x एक्सिस का जो angle बनता है उसको अपन क्या बोलते थे Alpha याद है तो ये alpha हो चुका है और बाएक्सेस का जो एंगल बनता था उसको हम क्या बोलते थे बीटा अब बात रही थामा की तो अगेन अगेन भाई वेक्टर ओ अगर एक्स वाई प्लेन पर है सिंस वेक्टर लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन ये बात दोबारा लिख रहा हूं मैं सो so, सो so, एंगल बिटवीन वेक्टर ओ एंड जेड एक्सेस क्या हो जाएगा एंड जेड एक्सिस क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री हो जाएगा क्योंकि प्लेन पर कोई कोई भी भी चीज लाइन कोई भी, भी वैक्टर रखा हुआ होगा वो जेड एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन खुद ही परपेंडिकुलर है किसके जेड एक्सिस के ठीक है ना दैट इज गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो अल्फा बीटा गामा अगर हमारे पास है ठीक है ना तो अब अपन नेक्स्ट क्या निकालेंगे डायरेक्शन साइंस क्या निकाल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर oa डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ़ वेक्टर वैक्टर ओ ये गामा ही तो है अच्छा गामा गलत बना अल्फा बना दिया मैंने नॉन मैथ्स मैथ नॉन साइंस वाले यार क्या करें भूल जाते हैं बाय आर गिवन बाय एल एम एन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा एम कॉस गामा सो अल्फा बीटा गामा है आपके पास कॉस अल्फा मीन्स नाइन थर्टी डिग्री कॉस बीटा कितना है आपके पास सिक्सटी डिग्री एंड ये जाएगा कॉस

हमारे यह यहाँ क्या चुके आ चुके हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइंस अब डायरेक्शन को साइंस आ चुके हैं तो अगर आपको यूनिट वैक्टर ही चाहिए वैक्टर ओ ए की डायरेक्शन में आपको पूरा वैक्टर नहीं चाहिए मतलब जनरल वैक्टर नहीं चाहिए यूनिट वैक्टर चाहिए क्या चाहिए यूनिट वैक्टर तो मैं यहां लिख देता हूं स्पेस की थोड़ी कमी है यहां कर देते हैं ठीक है नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ओ इज़ गिवन बाय इज़ गिवन बाय ओ ए कैप एंड ओ ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप एलिमेंट है आपके पास दैट मीनस रूट थ्री बाय टू आई कैप प्लस हाफ जे कैप और एन तो वैसे भी जीरो है चाहे से लिखो जीरो के कैप या नहीं भी लिखो केवल इतना भी छोड़ दो तो भी आपका आंसर करेक्ट मैच करो पीछे से फाइनल आंसर तो इस कहानी से सबसे पहली शिक्षा तो क्या ली आपने कि पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी वेक्टर का दो एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता था तो मैं तीसरे एक्सिस से निकाल पाता था ऐसा क्वेश्चन भी किया था अपन ने शायद पिछली एक्सरसाइज में किया है या उससे पिछली में किया है कि हमारे पास दो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन अपन ने निकाला है ठीक है लेकिन इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि अगर एक एक्सिस के साथ ही एंगल गिवन हो तो बचे हुए दो भी निकाल सकते हो बट प्रोवाइडेड दैट कि वो जो वेक्टर है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाइन करना चाहिए या तो एक्स वाई प्लेन पे या वाई जेड प्लेन पे या एक्सट प्लेन पे एक्स्ट्रा बात ये गिवन होनी चाहिए तब तो आप एक से बचे हुए दो निकाल सकते हो बट अगर ये प्लेन पे लाइन लाइनिंग मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाइन लाइनिंग करता है देन इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही एंगल गिवन और बचे दो निकालो फिर दो एंगल चाहिए और फिर तीसरा एंगल निकाल सकते हो ठीक है यहां तक क्लियर है अब इसका सेकेंड uh, देखो ये तो पूरा ज्योमेट्रिक मेथड है सारा ये मतलब पूरा बेसिक्स में घुस जाने वाला मेथड है अब ज्योमेट्रिक uh, जो दूसरा मेथड है थोड़ा डायरेक्ट मेथड अगर अपन बात करें तो देखो हम ये देखेंगे कि फिगर भी नहीं बनाए सपोज करो हम हम क्या करें फिगर भी नहीं बनाए तो देखो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में देखो हमको पता है कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो थर्टी डिग्री तो मैंने लिख दूंगा तो हमारे पास सपोज करो अल्फा है थर्टी डिग्री अल्फा थर्टी है तो स्ट्रेट अवे मैं एल निकाल लूंगा एल होता है कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा इज वॉट कॉस थर्टी डिग्री विच इज इक्वल टू रूट थ्री बाय एक डायरेक्शन को साइन निकाल लिया मैंने ठीक है एक डायरेक्शन को साइन निकाल लिया अब बात है कि मुझे बचे हुए दो डायरेक्शन को साइन निकालना तो देखो एम और एन निकालने के लिए कॉस बीटा एंड कॉस गामा ठीक है तो अब देखो अगर वो एक्स वाई प्लेन पर है अगर वो एक्स वाई प्लेन पर है

उस वेक्टर का जो के के वाला कॉम्पोनेट है वही तो जेड कोऑर्डिनेट है है या नहीं है तो वो जीरो है तो यानी कि कॉस गामा क्या है जीरो है उल्टा गामा इससे निकल के आ गया नाइनटी डिग्री मतलब पिछले केस में अपने एंगल से डायरेक्शन को निकाल रहा हूँ इसमें मैं डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो से एंगल निकाल रहा हूं ठीक है अब केवल क्या बचता है बीटा क्या बचता है बीटा तो हमको पता है कि कॉस बीटा क्या होता है और ये किसकी वैल्यू थी ये एम की वैल्यू थी हमको क्या पता कि बीटा क्या होता है एन के बराबर होता है और वो मिसिंग है वो मिसिंग है एम की वैल्यू अच्छा, yes. तो जो मिसिंग है और ये एन की वैल्यू स्ट्रेट अवे है क्योंकि एक्स वाई प्लेन दे दिया अगर वाइजेट प्लेन देता तो क्या चीज जीरो रख पाते हुए अगर मुझे वाई जेट वाई जेट प्लेन देता कि वो, वो जो वेक्टर है, वाई -जेट पर है तब मैं स्ट्रेट अवे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो स्ट्रेट अवे एम जीरो प्लेन के हिसाब से एक एक, 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 एक जीरो कर दो रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर एम जो है वो तो मिसिंग है इट इज अप कर दो और एम क्या है जीरो का स्क्वायर इक्वल टू वॉट वन वा ठीक है थ्री बाय फोर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वन एम बाय फोर और आपको वेक्टर बनाना था तो एल अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना था तो वो एल एम एन से बनेगा इससे इससे और इससे बना दो रूट थ्री बाय आई कैब वन बाय जीरो ठीक है क्लियर है तो इस रिलेशन को यूज करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस ये क्वेश्चन अच्छे से सबको समझ में आया एनी वन ऑफ यू जिसको कोई डाउट हो तो पूछो बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट हम्म बोलो तनिषा समझ में आ गया ओके, नो सर समझ में नहीं आया yes, डाउट sir. नहीं है? फिर यस yes, सर तो अब यस yes, सर का भी एक्सप्लेनेशन दो कि समझ में आ गया या डाउट है सर 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 नो मत बोलो बोलो क्लियर कि sir, समझ में आया ये yes, सर डाउट है या क्या सर समझ में आया ओके क्वेश्चन नंबर टू इज वेरी इजी फाइंड स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड समझ में okay, okay.

Y2 and Z2. अच्छा इससे पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन को आ, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के scalar components हैं। तो suppose करो इन दोनों को करने वाला वेक्टर क्या बन गया हमारा वेक्टर पी -क्यू. तो वेक्टर पी के पहले वेक्टर पी क्यू की कॉम्पोनेट फॉर्म कैसे लिखेंगे बताओ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन दिस मच ऑफ I cap, फिर तो तो स्केलर कॉम्पोनेट्स पूछे, scalar components पूछे तो स्केलर कॉम्पोनेट्स क्या होते हैं किसी भी वैक्टर के आई कैप जे कैप के कैप हटा दो जो बच गया वो स्केलर हैं. है ना नाउ स्केलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वैक्टर पी क्यू आर

फॉर्म में, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड आइडेंटिटी लगाने के बाद अगर कुछ हासिल होता ऐसा दिखता कुछ कट रहा है या तो फिर हम करते हैं ना या फिर जुड़ता सपोज करो यहाँ एक्स स्क्वायर आता वहां एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर भी होता लेकिन इधर तो एक्स की है फिर वाई की ना तो वो जुड़े ना कटे ना कुछ हो उल्टा लेंदी हो जाएगा ना तो यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड द मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन भाई फर्स्ट एंड ही है, काम के बाकी सब छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे ही जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है हाँ जी एक गर्ल वॉक्स फोर किलोमीटर टू वेस्ट तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहली एक्सरसाइज में किया था डिस्प्लेसमेंट निकालने का याद है बट वहां पे अपन ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला था बड़ा ही आसानी से और आपको याद हो तो वहां पर तो शायद अपने कॉम्पोनेट फॉर्म भी नहीं निकाली थी डिस्प्लेसमेंट बस ऐसे ही निकाल दिया ए प्लस बी या ली फॉर्म निकाली थी देख ना उस वहां पर अपन ने क्योंकि वहां तक तो फॉर्म शायद पड़ी नहीं थी एक्सरसाइज नंबर वन में डिस्प्लेसमेंट निकाला था देखो ध्यान से फर्स्ट सेकेंड अब ये याद नहीं है फर्स्ट ही था कॉम्पोनेंट फॉर्म form... वो एंगल तो एंगल तो इसमें बनवा रहा है ना नॉर्थ साउथ किया था वही करना है लेकिन उसमें जो अपन ने निकाला वेक्टर फॉर्म, तो फॉर्म, फॉर्म नहीं लिखी होगी वो सीधे लिख दिया गा। उसका कारण ही है कि तब तक तो कॉम्पोनेट फॉर्म पड़ी नहीं थी और अभी क्या करेंगे कॉम्पोनेट फॉर्म में इसका सब कुछ लिखेंगे ये वैक्टर बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे ठीक है ये क्या कहता है चलो ईस्ट वेस्ट साउथ बना देते हैं फिर इसी बात पे तो ईस्ट वेस्ट साउथ सबको बनाना आता है पेपर के ऊपर हम जब भी डायरेक्शन बनाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा हमेशा नॉर्थ दिस विल बी साउथ एंड राइट हैंड साइड पे ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट और इसको मैं मान लेता हूँ मेरा ये है एक तरीके से ओरिजिन राइट right? अब कहाँ कहाँ जा रही है वो लड़की हम लड़की क्यों जाती है पिछली बार में भी गर्ल वॉक्स था हाँ हा, हा, तो उनको बेच क्यों रहे हो ए गर्ल वॉक्स फोर किलोमीटर टुआर्ड्स वेस्ट तो फोर किलोमीटर टुआर्ड्स वेस्ट लेटर्स है कि ये गया यहां तक आ गया मान लेता हूँ ठीक है ये कितना है फोर किलोमीटर उसके बाद हाँ उसके बाद देखना सपोज करो वो इस पॉइंट पे आ गई लेटेस्ट इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ ए ठीक है ए पॉइंट पे आ गई वो अब सी बॉक्स थ्री किलोमीटर इन ए डायरेक्शन अब थ्री किलोमीटर कैसे चल रही है डायरेक्शन देखो थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ से ईस्ट देखो नॉर्थ से ईस्ट कैसे जाओगे सपोज करो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से ईस्ट ऐसे ही जाओगे नॉर्थ से ईस्ट ऐसे जाओगे ना राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है अगर नॉर्थ से वेस्ट होता है तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं ऐसे ही करता तो मैं क्या करूंगा जाना तो मुझे नॉर्थ ईस्ट है देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है नॉर्थ ईस्ट अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वैसे तो ये वाली होती है अब मुझे वहां से जानी ये वाली डायरेक्शन लेकिन ये एंगल कैसे मेजर करूं तो ये आप नॉर्थ का थर्टी डिग्री चेक करोगे क्योंकि उसने ईस्ट ऑफ ऑफ के के बाद बाद जो जो चीज लगी हुई है 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 ना क्या लगा हुआ नॉर्थ नॉर्थ दैट वाली जो है, उससे वो थर्टी डिग्री एंगल बना रही है समझ में आया क्या तो मैं क्या करूंगा एक ही सीध में एक इमेजिनरी नॉर्थ एक्सेस बनाऊंगा नॉर्थ तो पीछे ही रह गई ना तो मैं इसको डिस्प्लेस कर सकती हूँ ना वेक्टर्स में हूं अभी आप सपोज करो आपने नॉर्थ डायरेक्शन को इधर शिफ्ट कर दिया अब इस नॉर्थ से थर्टी डिग्री इधर घूमना है समझ आया अब इससे थर्टी डिग्री जब आप इधर घूमोगे तो फाइनली आप ऐसे चल रहे हो दैट मींस और थ्री किलोमीटर ये तो थोड़ा छोटा बनाओ लाइक दिस ताकि वो जस्टिफाई तो हो मैं नीचे फोर है तो फोर से छोटा तो दिखाई दे ठीक है दिस इज थर्टी डिग्री दिस इज थर्टी डिग्री लेटेस्ट है कि वो बी पे आके पहुंच गई ठीक है अब आपको क्या चाहिए अब स्टॉप हो गई बी पे वो डेटा माइंड द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इनिशियल डिपार्चर यहाँ जहां से रवाना हुई और अब जहां पर है वो आपको फाइंड चाहिए, चाहिए. आउट वेक्टर, वेक्टर वेक्टर करना है समझ आया कौन सा वैक्टर फाइंड आउट करना है वैक्टर ओ बी ओके और ये फोर है और ये थ्री है देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है थ्री किलोमीटर ठीक है जी कोई डाउट नहीं यहां तक इसको यहां लिख देता हूं मैं ये वाली डायरेक्शन है थ्री किलोमीटर मतलब ये वाली डिस्टेंस है थ्री किलोमीटर वहां पे कंजेस्टेड हो रहा है ठीक है अब सुनिए आपको चाहिए वेक्टर ओबी तो वेक्टर ओबी के लिए पहले आप कहां गए पहले आप यहां गए और फिर यहां से आप यहां गए तो आप ट्राइंगल लो लगाओ तो वेक्टर ओ के अंदर ए बी जोड़ेंगे तब फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी ओबी भी आप किस रास्ते से गए पहले ओ से लेके ए पे गए फिर ए से लेकर बी पे गए तो वैक्टर तो आएगी, आएगी, तो लो यूजिंग ट्राइंगल लो ट्राइंगल लो इसमें एक बार नहीं दो बार लगेगा तो सिंपल सा अभी फर्स्ट जो कंडीशन दिखाई दे रही है यूजिंग ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल में है ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए बी या कैसे भी ट्राइंगल का नाम तो कैसे भी लिख सकते हो तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ वी विल गेट कि वेक्टर ओबी जो है वो कैसे आएगा वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी ये चीज हमको समझ आ रही है वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी ठीक है तो वेक्टर ओए को कैसे लिखोगे अब सुनो आप चार किलोमीटर तो चल रहे हो ठीक है और आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो और ये ईस्ट वेस्ट जो होती है इसको एक्स एक्सिस मान रखा है अपन क्या मान रखा है

ना तो उसमें जे कैप है ना के ऊपर चल रहे है यही अगर आप ईस्ट साइड चलते हैं तो प्लस फोर आई कैप हो जाता प्लस फोर आई के, यहां तक क्लियर है ठीक है अब अब है अब अब सुनिए आपको निकालना तो अब मेरी सारी कैलकुलेशन चलेगी कि ए बी वैक्टर कैसे निकाले समझ आया एबी वैक्टर को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं एक फिगर इस वाले ट्राइंगल को मैं फिर से बनाता हूं यहाँ क्योंकि वहां पे बनाएंगे या फिर चलो एक काम करता हूं यहां से सपोज करो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ड्रॉ कर दिया और लेटेस्ट से इसको मार्क कर दिया मैंने ए बी लेटेस्ट से इसको मैंने मार्क कर दिया सी क्या मार्क कर दिया सी अब मैं इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ देखो ट्रायंगल में क्या कैलकुलेशन होती है ध्यान से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ये परपेंडिकुलर है ये ऊपर क्या है बी यहाँ क्या है ए और यहाँ क्या है नहीं ओ नहीं है सी है सी है सी ठीक है अब सुनो आपको यहाँ से वेक्टर ए बी चाहिए आपको यहाँ से क्या चाहिए वेक्टर ए बी अब वेक्टर ए बी जो है उस फिगर के हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है नहीं है ना लेकिन वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो सकता है देखो जो चीज डायगोनली चल रही है ऐसे टेढ़ी चल रही है तो उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म निकालना मुश्किल है लेकिन जो चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू एक्स एक्सेस या पैरेलल टू वाई चल रही है उसकी कॉम्पोनेट फॉर्म निकालना आसान है जैसे कि अभी अपन ने वेक्टर ओ की चुटकियों में निकाल दी माइनस फोर आई केफ क्यों निकाल पाए चुटकियों में क्योंकि एक्स एक्स पर है या यू के पैरल है तो पता है कि इस साइड माइनस आई केफ जाओगे इस साइड प्लस आई केफ जाओगे ऊपर प्लस जेकेफ जाओगे और नीचे माइनस जेकेफ जाओगे और अभी अपन उसकी तो बात ही नहीं कर रहे जेड एक्सेस की यहाँ पे बात ही नहीं कर ठीक है क्लियर आई लेकिन ऐसी ए बी तो ऐसे टेढ़ी है अब टेढ़ी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं ए बी पर पहुंचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मैं पहले ए सी पे जा रहा हूं और ए सी से फिर सी बी पे जा रहा हूं अगेन अप्लाई हूं मैं क्या कर रहा हूं ए से बी पे पहुंचना है मैं दो टुकड़ों में जा रहा हूं पहले ए से सी पर और सी से बी पर यह बात समझ आई सभी को अब क्योंकि ए से लेके सी पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यूं चलना पड़ेगा और फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्यों चलना पड़ेगा चलो ये ए बी की लंबाई कितनी है तीन है या है कि नहीं है अच्छा एक चीज बताना भूल गए अगर ये थर्टी डिग्री है तो ये ये कितना होगा डिग्री तो ये एंगल ए पे डिग्री हो गया बोलो अभी अगर सिक्सटी डिग्री है तो ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी पहले बताया हुआ है आपको थ्री कॉस सिक्सटी थ्री कॉस सिक्सटी प्रोजेक्शन के टाइम में बताया था और बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी थ्री साइन सिक्सटी 3 sin 60 degree. अगर आपको की वैल्यू है, तो आप कैसे निकालते हैं उस हाइपोटेनस को कोस कोस थीटा से करके, और आप कैसे निकालते हैं उस को, और नहीं तो ये समझ में नहीं आया तो देखो ये देखो कॉस सिक्सटी कैसे निकालोगे आप यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस क्या है एसी क्या है AB. अब आपको AB की जगह गीवन है ना थ्री तो आप AC कैसे निकालोगे थ्री कॉस सिक्सटी ए सी कैसे निकालोगे थ्री कॉस सिक्सटी सिमिलरली अगर आप साइन सिक्सटी लगाओ तो वहां से बी क्या निकल के आएगा थ्री साइन सिक्सटी क्लियर तो जब हमारे हमको गिवन है ये थ्री साइन सिक्सटी थ्री कॉस सिक्सटी तो मैं फटाफट से ये पहले वैल्यूज निकाल देता हूँ तो मेरी ए सी की वैल्यू हो गई मतलब ए सी की लंबाई हो गई एक तरीके से वैक्टर फॉर्म में नहीं सिंपल लाइन सेगमेंट फॉर्म में मेरे पास ए सी की लंबाई क्या हो गई थ्री कॉस सिक्सटी बताओ थ्री कॉस सिक्सटी कितना होता है थ्री इंटू थ्री इंटू वन बाय टू थ्री बाय टू अच्छा फिर लगे आद बीसी भी निकाल दो तो बीसी कैसे निकालेंगे थ्री साइन सिक्सटी और साइन सिक्सटी कितना होता है थ्री इंटू रूट थ्री बाय टू सिंपली क्या लिख दूंगा मैं थ्री रूट थ्री बाय टू ठीक है ये चीज समझ में आ गई थ्री रूट थ्री बाय टू तो हो गई एसी की लंबाई बीसी की लंबाई और एसी की लंबाई क्या होगी बेटा क्या होगा एसी की लंबाई थ्री बाय टू अब आपको लंबाई तो पता चल गई कि ए से लेके सी कितना दूर है और सी से लेकर बी कितना दूर है अब आपको डायरेक्शन देना है तो सुनो जब आप ए से लेके सी चल रहे हो तो मुझे बताओ बताओ आप पे तो चल ही रहे हो उसको तो, तो, तो भूल जाओ अब अपन यहां है अब अपना अपना टारगेट उस टाइम अपना टारगेट क्या था सुनो चलो स्क्रीन पे देखो उस टाइम अपना टारगेट था ओ से बी पे जाना तो मैंने रास्ता चुना ओ से से बी अब ओ से लेके A तक का तो वेक्टर फॉर्म ये आ गई ए से लेके बी की वेक्टर फॉर्म चाहिए अब A, B, A, B देखो 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 पहले भी देखो, टेढ़ा था था डायगोनली तो आपने ये वाला रास्ता चुना लेकिन ये से वाले रास्ते में वापस ए बी भी टेढ़ा आ गया वापस ए बी भी टेढ़ा आ गया ना तो अब ए बी जाने के लिए अगेन ट्राइंगल अप्लाई करना पड़ेगा तो मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया परपेंडिकुलर बना के ये वाला अब आपको ए से बी पे जाना है तो ए से बी पे जाने के लिए रास्ता कैसे चुनोगे ए से लेके सी आप सी से लेके ए पे जाओगे तो फिर सपोज करो आप सी से लेके ए पे जा रहे हो तो दो रास्ते कहाँ हुए तो फिर तो आप सी से लेके ए जा रहे हो ए से लेके बी जा रहे हो फिर सी से बी का तो कोई रोल ही नहीं हुआ इसमें आप ऐसे तो ना जाओगे सर सी से बी चले जाओ सी से ए चले जाओ तो आप अल्टीमेटली बी पे पहुंचना है ना आपको तो आप दो रास्ते कैसे चुनोगे ए से लेके सी और सी से लेकर बी दैट मीनस मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि ये जो वेक्टर ए बी है ये माइनस फोर आई कैब तो आई चुका है वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा वैक्टर ए सी प्लस ए बी कैसे निकलेगा ए सी भाई आपको ए से लेके बी जाना है तो आप ए से लेके सी और सी से लेके बी चले जाओ ए सी और सी बी का रास्ता इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि वो वो वाली वेक्टर्स हैं जो कि या तो एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस के पैरल है जैसे ए सी तो जस्ट उसके ऊपर ही है और सीबी जो है वो वाई एक्सिस के पैरल है समझ आया ठीक है अब आपने रास्ता तो पसंद कर लिया आपको मैग्नीट्यूड भी पता है उसका ए का मैग्नीट्यूड पता है कितना निकाल लिया आपने टू और बीसी का भी मैग्नीट्यूडो थ्री रूट थ्री बाई टू बात करते हैं डायरेक्शन की अब मुझे एक चीज बताओ स्क्रीन पे देखकर कि जब आप ए से लेके सी पे चल रहे हो तो यू आर वॉकिंग ऑन एक्स एक्सिस यू आर वॉकिंग ऑन एक्स एक्सिस तो आपके पास आई कैप होगा ओनली आपके पास क्या होगा ओनली आई कैप लेकिन आप ईस्ट साइड चले कि मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस चल रहे हो या नेगेटिव साइड चल रहे हो अरे ए से लेके सी ए से लेके सी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस नहीं लोगे जैसा आपने पहले माइनस फोर लिया था चार किलोमीटर आप वेस्ट की साइड चले थे तो आपने माइनस फोर लिया था अब एक्चुअली आप ईस्ट साइड चल रहे हो कितना चल रहे हो ए सी की वैल्यू है आपके पास थ्री बाई टू तो क्या लिख दोगे ए सी वैक्टर एसी की जो आप क्या लिखोगे थ्री बाय टू थ्री बाय टू आई कैपैक्टर ए की कॉम्पोनेंट फॉर्म है एक तरीके से राइट right?

थ्री बाई टू जीट इज इट इसको माइनस फोर इंटू टू माइनस एट माइनस एट प्लस थ्री माई को ऑन रह गया किसी का प्लीज ऑफ करो माइनस फोर इंटू टू माइनस एट माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव बाई टू आई कैप प्लस थ्री रूट थ्री बाय टू जे कैप और के करेंगे नहीं क्योंकि अपन टू डी प्लेन पर ही बना रहे हैं इस डिस्प्लेसमेंट को दिस इज योर फाइनल फाइनल आंसर चेक चेक करो जरा सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इज गिवन बाय अ वेक्टर विच इज वेक्टर ओ बी एंड उसकी कॉम्पोनेंट फॉर्म ये निकल के आ रही है मैच हो गया लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट ओ to its last point terminal point b is given by vector ob equal to minus 5 by 2 i cap plus 3 root 3 3 root 3 by 2 j cap ठीक है आपके मिसलेनियस का पहला एग्जांपल भी ऐसा ही है तो ट्राई सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना थर्ड वाला चले आगे ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखो इफ वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी दे इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड वैक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए जस्टाई आंसर क्या कह रहा है अगर वेक्टर ए बी प्लस सी है तो उनका मैग्नीट्यूड भी उसी फॉर्म में चलेगा या नहीं चलेगा पहले तो बताओ ट्रू है कि नहीं है और अगर ट्रू है तो भी जस्टिफाई करो और ट्रू नहीं है तो भी जस्टिफाई करो कि ट्रू क्यों नहीं है समझ आया क्वेश्चन समझ आया अब देखो वही ट्राइंगल वो बना देते हैं लेटेस्ट से कि ये ऐसा एक ट्राइंगल है मान लो ये तो है वेक्टर बी ठीक है और ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर ए तो मैंने जानबूझ के ए ऐसा लिए हैं ताकि जैसा उसने जस्टिफाई जैसा उसने कहा है वो चीज जस्टिफाई हो सके देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो और वैक्टर ए इज वक्टर बी प्लस वेक्टर सी मैं यहां से लेके यहाँ जाऊं या यहां जाऊं सीधे मैं यहाँ से यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए मान लू तो वेक्टर बी प्लस वैक्टर सी होगा दिस प्लस दिस ओके okay. अब आप सोचो कि ऐसा भी होगा कि अब ये जो लंबाई है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड का सम हो क्लियरली हमको पता है हमने शायद नाइन टेंथ में ही सीख लिया था कि किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो वो कोलिनियर हो जाएंगे भाई यहां से लेके यहां तक का सम और यहां से लेके यहां तक का सम अगर टोटल सम के बराबर है यहां से लेके यहां तक की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई का जो जोड़ है अगर वो टोटल लंबाई के बराबर है तो ये तीन पॉइंट्स पे ट्राइंगल का बना रहे हैं तो कोल ही हैं अगर आपको ट्राइंगल फॉर्मेशन करना है तो वो बड़ा होना चाहिए क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए लेकिन वेक्टर के केस के में सुनिए वेक्टर के केस में सुनिए कि ट्राइंगल लो तो हम लगा रहे हैं ट्राइंगल लो तो हम लगा रहे हैं उसने थोड़ा कहा ट्राइंगल लो करो उसने तो कहा कि आप यहां से लेके यहां जाओ फिर आप यहां से लेके यहां जाओ तो फिर आप सीधे जाओ तो बात तो एक ही है ना तो एक पर्टिकुलर केस में ये सच हो सकता है लेकिन ये हमेशा सच नहीं हो सकता है ये कब सच हो सकता है जब ये ट्राइंगल ना बन के ये पॉइंट जो है मेरे कोलिनियर बने क्या बने कोलिनियर बने तो मैं क्या लिख दूंगा हेयर हेयर वेक्टर ए इक्वल टू वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी बनाया है मैंने ठीक है ना एंड अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सी बनाऊ देन इट विल देन इट विल दैट करो ये मैं नाम दे देता हूं उसका ए बी सी देन इट विल एम्प्लाय पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर ठीक है तो कोलिनियर के केस में तो ये ट्रू हो जाएगा कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा बट बट इन केस इन केस दे आर नॉट कोलिनियर केस दे आर नॉट कोलिनियर केस दे आर नॉट कोलिनियर तो कोई भी तीन पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो वो क्या है देखो दो ही दो बातें हो सकती हैं दुनिया में या तो तीन पॉइंट एक प्लेन पर कोलिनियर है

शुड बी ग्रेटर देन वॉट ए सी दैट इज इसको वैक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए बी एंड मैग्निट्यूड ऑफ वैक्टर बी सी क्योंकि ट्राइंगल लॉ है बेटा कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए सी और वी कैन से ए बी को क्या लिया है मैंने वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वैक्टर सी का मैग्नीट्यूड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इन वन केस अदरवाइज इट इज फॉल्स एक ही केस में वो ट्रू है जब वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं अदरवाइज अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाता है ठीक है ना क्लियर है तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लूँगा मैं हैंस हैंस मैग्निट्यूड ऑफ वैक्टर ए इक्वल टू मैग्निट्यूड ऑफ वैक्टर बी प्लस मैग्निट्यूडर ट्रू ओनली वेन थ्रीनियर ओनली वेन द थ्री वैक्टर्स आर थ्री वैक्टर्स एंड वैक्टर सी अरे कोलिनियर ट्रू करने के लिए भी तो यही करते हो आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था ना कि इस एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन है कि आप तीन पॉइंट्स को, को प्रूव तो कोलिनियर प्रूव करो तो प्रूव करने के लिए आप यही तो करते हो कि वेक्टर किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के बराबर करते हो तभी तो कोलिनियर प्रूव होता था तो यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे उसने कह दिया कि दो वैक्टर्स का सम तीसरे के बराबर है तो उससे क्या ट्रू होगा कि ये तीनों वैक्टर्स कोलिनियर है बट हमेशा वैक्टर्स कोलिनियर थोड़े ना होता है इनकेस अगर वैक्टर्स कोलिनियर नहीं है तो फिर ये चीज थोड़ी प्रूव होगी कि वैक्टर टू वैक्ट बी प्लस वैक्टर सी मतलब मैग्नीट्यूड के सेंस में लेकिन विदाउट मैग्नीट्यूड के सेंस में तो हो रही है कि वेक्टर बट मैग्नीट्यूड के सेंस में नहीं हो रही है, ये बात है हमेशा ट्रू नहीं होगा ओनली वर्ड लगा दिया ना दैट मीन्स ये केवल इसी केस में ट्रू है अदरवाइज ये फॉल्स ठीक है समझ आया कोई डाउट नहीं है

इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस के कैप ये ये हो गया ये वाला वेक्टर अब आप इसका मैग्नीट्यूड और के इक्वल कर दो क्योंकि क्या कह रहा है वो यूनिट वेक्टर है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट अगेन अगेन अगला वाला भी एक्स होगा उससे अगला वाला भी ही होगा तो इसका रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है उसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री इंटू एक्स ठीक है अब एक चीज सुनो बच्चों एक चीज सुनना इधर देखो स्क्रीन पे लेट अस सपोज करो कोई चीज है कोई चीज है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है वो हमेशा क्या रहती है ये चीज सपोज करो हमेशा पॉजिटिव ये भी जैसे ये मैग्नीट्यूड ही हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव यानी रूट थ्री एक्स क्या होगा पॉजिटिव लेकिन इसमें से कोई एलिमेंट मिसिंग है जैसे एक्स मिसिंग है एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो जब आप इसको किसी के इक्वेट करोगे तो आप उसको पॉजिटिव नहीं प्लस और माइनस से इक्वेट करोगे क्योंकि बेटा उसके अंदर की वो चीज तो प्लस माइनस हो सकती है ना इस ओवरऑल पूरी चीज की वैल्यू पॉजिटिव है ओवरऑल पूरी चीज की वैल्यू पॉजिटिव है अंदर वाले एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है सपोज करो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी ये पूरी बन के पॉजिटिव आएगी वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है कहने का मतलब यह है कि अब इसकी वैल्यू जो भी आई अब इसकी वैल्यू जो भी आई किसकी रूट थ्री एक्स की वैल्यू जो भी आई उसका आप क्या लोगे मॉडुलस लोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और मॉडुलस लेके वन इक्वल करोगे क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है क्योंकि कल को मान लो एक्स अगर नेगेटिव होता मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी निकल के आती तो नेगेटिव ऑफ रूट थ्री वन के बराबर नहीं हो सकता था या किसी के भी बराबर नहीं हो सकता उसका आप मैग्नीट्यूड लेते कि नहीं लेते लेते हैं ना बताओ लेते कि नहीं लेते हैं सपोज करो इसकी वैल्यू रूट 64 आ गई आ गई तो अब आप रूट सिक्सटी फोर का आंसर तो प्लस और माइनस एट होता है लेकिन आप मैग्नीट्यूड लेके उसको प्लस एट बनाते हो क्यों बनाते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव तो एक चीज याद रखना है कि जब आंसर निकालना हो अगर ये वन यूनिट मुझे निकालना होता तो मैं सीधे सीधे पॉजिटिव वन यूनिट ले लेता ले या पॉजिटिव टू थ्री फोर निकालना होता लेकिन जब गीवन है जब गीवन है तो इस चीज की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेनी है क्योंकि इसके अंदर जो मिसिंग कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव हो सकता है ना समझ में है है, बात क्लियर है? तो इस चीज का ख्याल रखना या एक नहीं या एक्स की दो वैल्यूज बनने वाली या एक नहीं बेटा या पे की बनेंगी? दो बनेंगी. तो मैंने क्या किया रूट थ्री एक्स वन यूनिट तो यहां से एक्स की वैल्यू या तो है वन बाय रूट थ्री या फिर एक्स की वैल्यू है माइनस वन देखो पीछे आंसर दो देखो दो आंसर है कि नहीं है एक ही है दो है अब आप खुद क्रॉस वेरीफाई करो ना यार बच्चों देखो अगर आप वन बाय रूट थ्री यहाँ डालोगे वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री बनाया अरे छोड़ो अगर आप का स्क्वायर करोगे तो तो अगेन अच्छा, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे रूट थ्री मॉडुलस रूट थ्री एक्स लिख के फिर आप नीचे यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट सिंस इट इज गिवन दैट गिवन दैट मैग्नीट्यूडर a a vector. Vector a a so, जो भी रखा है क्या रखा है मॉडुलस रूट थ्री एक्स रखा है वो क्या हो जाएगा वन और उसके बाद की कहानी ये ठीक है समझ आया ओके okay.

तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन कहते थे नेट नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो इज नथिंग बट द जो अपन कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कह दो या फिर क्या कहते हैं उसको रिजल्टेंट कह दो ठीक है तो रिजल्टेंट का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों का सम ऐसे याद रख के चलो कि रिजल्टेंट का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट तो उससे कभी भूलोगे नहीं

एंड प्लस के कैप ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर इसको सम कर देता हूं मैं तो टू प्लस रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को सम कर दो टू प्लस वन यानी कि थ्री आई कैप हो गया थ्री माइनस टू यानी सिंगल जे कैप हो गया और माइनस के प्लस के तो कट गया तो कट गया एक तरीके से लिखो तो ठीक है नहीं तो जीरो के कैप हो गया तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया

C cap. C cap कैसे निकलेगा तो तो हमारे पास 3 I cap plus J cap plus K cap है तो है लिखो ठीक नहीं तो अदरवाइज ना भी लिखो तो चलेगा मत लिखो डिवाइडेड बाय टू रूट टेन तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ मैं थ्री रूट अब देखो बेटा इसका आंसर है ना जो पीछे है ना वो इज फॉर्म में है जितना ध्यान है तो उसको यही कर देता हूँ तो आपको एक बार में लगेगा कि आंसर क्यों रूट टेन तो तो ये हो जाएगा root 10 तो यहाँ पे थ्री आई कैप और जे कैप से होगा क्या मल्टीप्लाई और रूट टेन इंटू रूट टेन हो जाएगा टेन तो सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगी रूट टेन मतलब थ्री बाई टेन रूट टेन एक तरीके से थ्री बाई टेन रूट टेन वेक्टर अपने को डायरेक्शन देता है ठीक है तो नाव अब आपको क्या चाहिए एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड को पांच यूनिट और डायरेक्शन ये वाली हो जो वैक्टर आपको दिख रहा है ये वाली डायरेक्शन आपको चाहिए तो नावर

के फॉर्म में मान लो वो नया वेक्टर बन गया वेक्टर डी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सी कैप क्यों 5 तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पांच डायरेक्शन ये सी कैप क्योंकि सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो सी कैप चाहिए होगा ठीक है तो 5 सी कैप जो है सी कैप है मेरे पास 3√10 10 i कैप प्लस √10 10 जे कैप के कैप वाला कॉम्पोनेंट इसमें है नहीं दैट मीन्स आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे के कैप वाला कॉम्पोनेंट नहीं है दैट मीन्स ये वैक्टर जो है एक्स वाई प्लेन पे लाइक करता है चलो फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो फाइव 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 टू या टेन कट जाएगा थ्री बाय टू नहीं थ्री रूट टेन बाय टू आई कैप प्लस रूट टेन बाय रूट टेन सॉरी फाइव को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टू टाइम्स कट जाएगा तो रूट टेन बाय टू जे कैप दिस इज योर फाइनल आंसर दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है ना जबी भी आपको कह दे कि मैग्नीट्यूड तो यह है और डायरेक्शन वो है सीधे सीधे कई बार तो कह देता है डायरेक्शन वो है और सीधे सीधे नहीं कहता है, कई बार क्या घुमा फिरा के कहता है कैसे कह रहा है अभी देखो पैरेलल तो सपोज करो दो एक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी कोई अगर ईस्ट साइड का वेक्टर है और उसका पैरल दूसरा वेक्टर जा रहा है तो वो भी ईस्ट साइड ही जाएगा कोई नॉर्थ ईस्ट जा रहा हो तो पैरल भी फिर नॉर्थ ईस्ट ही जाएगा तो पैरल होने का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि उनकी डायरेक्शन सेम होना तो डायरेक्शन सी कैप से ले ली मैग्नीट्यूड पांच ले लिया और आंसर आ गया थ्री रूट टेन बाई टू आई कैप प्लस रूट टेन बाई टू जे कैप इसको आंसर किससे मिला लेते हैं फटाफट हम्म क्वेश्चन नंबर सिक्स थ्री बाय टू थ्री बाय टू रूट टेन आई कैप चाहिए प्लस रूट टेन बाई टू जे कैप करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर को इंपॉर्टेंट मार्क करना है बड़ा ही आसान बट ये इंपॉर्टेंट है है तो आसान पर इस तरह के अक्सर दिखते हैं पेपर में तो है ना तो इंपॉर्टेंट है सेवंथ वेक्टर ए ये है वेक्टर बी है वेक्टर सी है सेम टू सेम आ गया तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए मतलब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था मैग्नीट्यूड पांच यूनिट चाहिए अभी यूनिट वेक्टर कह दिया यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड अब उसको एक ही यूनिट चाहिए ठीक है और पैरल है तीसरे वैक्टर लेकिन ये वैसे कि कंपोनेंट फॉर्म नहीं लिखिए कुछ वेक्टर्स का नहीं कंपोनेंट फॉर्म लिखिए डायरेक्शन की डायरेक्शन तो तो क्या होगी इसका यूनिट वेक्टर तो अस है कि इस वेक्टर को मैं डी वेक्टर मान लेता हूं इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर डी कैसे की बने वैक्टर डी टू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी प्लस थ्री सी वैक्टर ठीक है ट्वाइस ऑफ वैक्टर ए क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी वैक्टर क्या है ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस तीनों के कॉम्पोनेंट फॉर्म है ना जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस थ्री सी वैक्टर तो सी वैक्टर क्या है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप ठीक है अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मतलब सॉल्व कर देता हूँ टू आई तो यहाँ है माइनस टू आई ये कट गया और थ्री आई बचा केवल बोल थ्री आई कैप आ जाओ सामने ही लिख दो चलो थ्री आई कैप ठीक है ओके यहां पर है ट्वाइस जे यहां पर क्या है ट्वाइस जे वहां पर है माइनस माइनस प्लस यानी ट्वाइस जे प्लस सिंगल जे यानी थ्री जे हो गया थ्री जे में से ये थ्री टू जो सिक्स माइनस सिक्स करोगे थ्री माइनस सिक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री जे कैप हो जाएगा एंड लास्ट के कैप देखो के कैप माइनस प्लस माइनस के केप माइनस थ्री के केप के के, के के में फिर यहाँ पे थ्री देखो ये दोनों कट जाएंगे माइनस थ्री कैप प्लस थ्री कैप कट जाएंगे केवल सिंगल वाला टू के कैप रह जाएगा मतलब स्टार्टिंग वाला सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एक तरीके से ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हमको है ना इस पूरी चीज का रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया ट्वाइस ओ वेक्टर है माइनस पी प्लस थ्री इसको मैंने डी वेक्टर मान लिया अब डायरेक्शन लेनी है इसकी तो डायरेक्शन लेनी है तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर का सम का रूट तो नौ नौ अठारह अठारह और चार बाईस रूट ट्वेंटी टू ठीक है जी वेक्टर डी आ गया तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम डी कैप से निकालेंगे डी कैप से निकाल के हम क्या कर देंगे वेक्टर वेक्टर डी को मैग्नीट्यूड वेक्टर डी से डिवाइड कर देंगे वेक्टर डी है हमारे पास थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाय रूट

k ज्यादा ज्यादा आप टू बाय ट्वेंटी को काट सकते हो क्योंकि टू ट्वेंटी टू से कटता है बाकी तो कटे नहीं रहे सो दिस इज दाइनल आंसर यही फाइनल आंसर है भाई मैग्नीट्यूड रहेगा आपकी बात क्योंकि उसने यूनिट वेक्टर पूछा है यूनिट वेक्टर पूछा है ना जो नया वेक्टर आप बनाओगे उसकी डायरेक्शन ये रहेगी और मैग्नीट्यूड वन यूनिट रहेगा तो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा ठीक है तुम लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना यूनिट वैक्टर

अभी कौन सा किया एट देखते हैं पहला फिर भी थोड़ा सा है. होगा उसमें। और सेक्शन फार्मूला का भी रेशियो निकालेंगे हम अब तक अपन सेक्शन फार्मूला में रेशियो नहीं निकाला अब तक ने सेक्शन फार्मूला में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके पोजीशन वेक्टर निकाला है। एक तरीके से यहां पे पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है और उसके बाद मुझे रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है पहले जो क्वेश्चन किया था और पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना पड़ता था दैट मींस उसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता था चलो पहले तो पहला पार्ट निपटाओ ये कोलिनियर है ये डिवाइड करना है ये अपने को प्रूव करना है क्योंकि अगर सेक्शन फार्मूला तभी लगता है जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें प्रूव करवा रहा है कि ये कोलिनियर है उसके बाद सेक्शन फार्मूला तो लेट्स प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर यहां तक का पार्ट करते हैं देखो बच्चों तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे ये तीन पॉइंट ए यह ए है बी और यह सी सिंपल सा लॉजिक है तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे जब जब इनसे जो वेक्टर बने जैसे ए बी और बी सी तीन वेक्टर बन गए वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी इनको मतलब वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा तो ये तीनों पॉइंट्स ये जो तीनों वेक्टर्स बने इनमें से किसी भी दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए यानी ए बी और बीसी की लंबाई ए सी के बराबर आ जाए सिंपल सा सालो ए बी और बीसी की लंबाई एसी के बराबर हो गए दैट ये कोलिनियर है और अगर लंबाई बराबर नहीं आई तो वो कोलिनियर नहीं है सिंपल सा सालोजिक अब ये पता नहीं है कि ए यहाँ है बी यहाँ सी ये सब मुझे नहीं पता हो सकता है कि सी यहाँ हो ए यहाँ हो बी यहाँ हो तो वो तो मुझे नहीं पता तो हम तो क्या करेंगे बस ये चेक करेंगे हंड्रेड परसेंट आपको ये नहीं चेक करना कि इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है या नहीं है? हो सकता है कि इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम इसके इसके बराबर हो या हो या सकता है कि मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम इसके बराबर कुछ भी हो सकता है तीनों में से कुछ भी हो जाए किसी भी दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर आ जाए देन दे विल बी कॉल्ड एस कोलिनियर ठीक है जो तो हम वेक्टर बनाते हैं फटाफट से पॉइंट्स तो गिवन है ही सही वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स वाला लगाओ जैसे ए और बी से वेक्टर बनेगा जो क्या बनेगा वेक्टर ए बी

ठीक है थ्री माइनस जीरो यानी कि थ्री जे कैप और सेवन माइनस माइनस टू यानी सेवन प्लस टू हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस नाइन कैप और लास्ट वाला वेक्टर भी बना दो वेक्टर ए सी ac ए सी आ जाओ तो इलेवन माइनस वन इट इज टेन आई कैप थ्री माइनस माइनस टू यानी थ्री प्लस टू इट इज फाइव जे कैप And 7 minus, minus 7, 7 है 15, है वैसे देखो बट ऐसे नहीं कर सकते मैग्नीट्यूड से इनको कर, देखना पड़ेगा कि इन, इन किसी भी दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर हो तो अब तीनों का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फोर का स्क्वायर टू का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर सोलह सोला और चार सोलह और चार हो गए बीस बीस और छत्तीस बीस और छत्तीस हो गए छप्पन और छप्पन को लिख सकते हो फोर इंटू नहीं एट इंटू सेवन होता है ना हाँ तो फोर इंटू फोर्टीन फोर्टीन फोर जो छप्पन होता है ना तो टू रूट फोर्टीन यूनिट्स ये आ गया आपका एक मैग्नीट्यूड देखो फोर्टीन फोर जो फिफ्टी सिक्स ठीक है नेक्स्ट मैगनी ऑफ बी सी निकालते हैं

देखो फोर्टीन नाइन होता है, 14, जा रूट 1, 126 होता, है 14, जा होता है तो टेन तो, का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर सो सो और पच्चीस एक सौ पच्चीस और वहां से दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस तीन सौ पचास ठीक है? और ये क्या सॉल्व करेंगे. 175, 175 करेंगे तो फाइव इंटू थर्टी फाइव होता है तो टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन सही है ना? 5 तो इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाहर आ जाएगा 14 तो अब आप देखो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज तो ये प्रूव हो जाएगा वी अप ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वैक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड तो वी विल गेट टू रूट फोर्टीन प्लस थ्री रूट फोर्टीन विच इज इक्वल टू फाइव रूट फोर्टीन एंड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो ए बी प्लस ए का मैग्नेटिक ए के बराबर है हेंस हेंस पॉइंट्स ए आर कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर ये यहां पे प्रूव हो गया तो ये पहला पार्ट तो यहां पे कंप्लीट हुआ ना कोलिनियर प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना हमको क्या करना है कि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट से तीन वेक्टर बनाने हैं और किसी भी दो का मैग्नीट्यूड तीसरे के बराबर यहाँ पे तो जो आपने सोचा था वही काम हुआ कि ए बी सी ए सी सीरीज में ही चल रहे हैं ए बी सी बट भाई ए बी सी एसी सोचा था और ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर है लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें सीरीज में ना चले तो आपको केवल इतना चेक करना है कि, कि किसी भी दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर हो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें एक बार प्रूव हो गया ना कि ये कोलिनियर है और कुलनियर भी कैसे प्रूव हुआ है ए बी सी ऐसे प्रूव हुआ है कि ए यहां पर है फिर बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है ऐसे प्रूव हुआ है ये ए बी एंड सी अब आपको ये निकालना है कि जो बी है वो इस ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो सेक्शन फॉर्मूला के आपके लिए आपको ए बी और सी के पोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो से origin भी मान सकते हैं, वैसे अपन नीचे मानते थे, बट चलो इस बार यहां मान लेते हैं। कहीं भी तो कोई नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन तो लेटेस्ट से ये तो गया vector OA, ये हो गया वैक्टर ओ एक्टर ओ बी और ये हो गया वेक्टर ओ सी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वन माइनस टू माइनस एट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वन कोमा माइनस टू कोमा माइनस एट इसके कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स फाइव कोमा जीरो से हम इसके पोजिशन वैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इसका वैक्टर ओ ए का पोजिशन वैक्टर क्या हो जाएगा आई कैप वन है ना माइनस टू का मतलब माइनस टू जे कैप इसके कोऑर्डिनेट्स जीरो 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 है ना वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट जीरो माइनस टू के कैप एंड वेक्टर ओ सी वैक्टर ओ सी क्या निकलेगा मतलब सी पॉइंट वैक्टर क्या निकलेगा इलेवन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप ठीक है जी अब हमको क्या गिवन होता था कि वेक्टर आ, क्या पूछा है आपसे रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी तो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो बी अगर ए सी के ऊपर लाया कर रहा है तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता था ऐसे लगता था कि वेक्टर ओ बी की वैल्यू निकल के आती थी एम इन टू वैक्टर देखो अगर मैं इसको एम इस टू एन मानू एम इंटू वैक्टर ओसी और एन इंटू वैक्टर ओ एम इंटू वैक्टर ओसी ठीक है प्लस एन इंटू वैक्टर ओ ए डिवाइडेड बाय एम प्लस ये इंटरनल डिवीजन ऑफ इंटरनल डिवीजन बाय ये पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको इंटरनल है, है और एबीसी का तो यहां से हमने क्या किया फिर ये बी बीचो बीच है बीचो बीच का मतलब सॉरी मतलब ए सी के इंटरनली लाइक कर रहा है तो वो जो आपको डिवाइड कर रहा होगा डिवीजन पे इंटरनल डिवीजन ही हो रहा होगा उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने ठीक है बट नाउ अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे यहाँ पे हम एक चीज करेंगे देखो हाँ अब हम यहां करेंगे कि देखो हमको एम एस टू एन चाहिए वी नीड टू फाइंड द रेशियो एम एस टू एन जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमको क्या करना होता था ये ओबी वेक्टर की वैल्यू निकालनी होती थी इस फॉर्मूला से और एमएस टू एन की होता था बट इस यहाँ पे थोड़ा उल्टा है यहाँ पे एमएस टू एन चाहिए तो मैं इसको रेशियो को एम एस टू एन क्यों मानू मैं देखो एम एस टू एन में एम भी सोल्व करना पड़ रहा है एन भी सोल्व करना पड़ रहा है तो मैं रेशियो को एम एस टू एन नहीं मानता हूँ या लेंडा एस टू वन मान लेता हूँ कुछ भी मान लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ रेशियो है के एस टू वन

और अब आपको के वन की की वैल्यू वैल्यू चाहिए ना? यानी आ आ जाएगी तो के वन आ जाएगा। देखो कोई भी रेशियो है जैसे तू तू है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ फाइव बाई सेवन इज टू वन तो एनी रेशियो एम एस टू एन टाइप का कोई भी रेशियो कैन एनी टाइम बी कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म के एस टू वन एम एस टू एन टाइप का कोई भी रेशियो कभी भी के एस टू वन में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि आपके पास ए की वैल्यू आपको के की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है इधर एम और एन दो की करनी पड़ेगी तो इसीलिए मैंने एम एस टू एन को क्या लिख दिया के एस टू वन ठीक है और फिर वापस आप के एस टू वन को वापस एम एस टू एन बना दोगे इसमें क्या है वापस आप उस फॉर्म में भी चेंज कर पाओगे ठीक है तो चलते हैं आगे अब आप वैल्यूज पुट अप करो देखो वेक्टर ओ की वैल्यू है आपके पास फाइव आई कैप प्लस जीरो जे कैप वैसे जीरो लिखते नहीं है बट यहाँ कंपेरिजन का काम चल रहा है इसलिए लिख देते हैं एक चीज और सुनो के नहीं रख सकते क्योंकि के क्या पा रहा है ना? लेटर्स डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो लैमडा देन नो अदर ऑप्शन ओनली लेमडा इज द ऑप्शन ये हो जाएगा है ना लेमडा यहां पे भी लेंडा. क्योंकि के कैप में के आ रहा है ना तो लेटर सेम ही होने चाहिए तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है ओके तो लेमडा इंटू वैक्टर ओ सी वैक्टर ओ सी इज इलेवन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप ठीक है प्लस वन इंटू वैक्टर ओ ए है आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस एट के कैप होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी लेमडा था सॉरी प्लस वन. प्लस होल डिवाइडेड बाय इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं तो इट इज इक्वल टू अच्छा ये प्लस वन को मैं क्या करता हूँ उधर ले जाता हूँ मल्टीप्लीकेशन में है ना तो ये हो जाता है लेमडा प्लस वन इंटू ये करेंगे मैं सीधे सोल्व कर रहा हूँ देखो फाइव इंटू लेमडा प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों फाइव लेमडा प्लस फाइव फाइव लेमडा प्लस फाइव दिस मच ऑफ आई कैप ये एल एच एस चल रहा है ना जीरो को सोल्व करोगे तो नथिंग ये जीरो जेके पी रहेगा प्लस जीरो वही रहेगा और माइनस टू के केमडा प्लस वन क्या होता है माइनस टू माइनस टू लेमडा माइनस टू लेमडा माइनस टू या फिर माइनस को बाहर ले लो आ, ऐसे ले लो देखो ऐसे प्लस लगा दो यहाँ तो हाँ और ऐसे ले लो माइनस टू लेमडा माइनस टू दिस मच ऑफ के कैप ये एल एच हुई है आर में तो मल्टीप्लाई कर दो इलेवन देखो इलेवन लैम्डा तो यहाँ पर है और वन वहां पर है तो इलेवन लैम्डा प्लस वन हो जाएगा थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं मैं ना इलेवन लैम्डा प्लस वन दिस मच ऑफ आई कैप ओके आ जाओ फिर थ्री लैम्डा माइनस टू थ्री लेमडा दिस मच ऑफ जे कैप एंड लास्ट में आ जाओ सेवन लेमडा माइनस एट दिस मच ऑफ के कैप सेवन लेमडा माइनस एट यही काम एग्जाम में आपको दो तीन स्टेप में करना है जो अभी आपने एक ही स्टेप में कर दिया पहले आराम से मल्टीप्लाई करना है फिर ग्रुपिंग करनी है आई कैप आई कैप वाली टर्म से एक साथ लेके जानी है जे कैप जे कैप वाली एक साथ लेके जानी है फिर फर्दर सॉल्व करना है. अब अपन कंपैरिजन करते हैं देखो आई कैप को आई कैप से

तो जीरो इक्वल टू जीरो करेंगे 2 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हम इजिएस्ट तरीका चुनते हैं तो इस बीच वाले को उठा लेते हैं इजिएस्ट तरीका है कि जीरो इक्वल टू थ्री लेमडा माइनस टू से कंपेयर करें तो वी विल गेट लेमडा की वैल्यू टू बाई थ्री माइनस टू उधर जाके बन जाएगा टू डिडेड बाई थ्री और अब ये आंसर तभी माना जाएगा जब ये लेमडा की वैल्यू टू बाई थ्री इधर फर्स्ट में और थर्ड में भी सेटिस्फाई करे इधर और इधर भी सेटिस्फाई करे तो की वैल्यू सपोज करो मैं फर्स्ट में रखता हूँ तो 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 काटा ही नहीं मैंने इसको काटेंगे हम बट नहीं रहेगा की वैल्यू टू बाई थ्री रखी फाइव इंटू टू बाई थ्री फाइव इंटू टू बाई थ्री करेंगे सॉरी तो ये हो जाएगा टेन बाई थ्री ठीक है अब करो उसको फाइव थ्री जाए बाई थ्री और इधर भी थ्री बन जाए थ्री ट्वेंटी टू प्लस थ्री ट्वेंटी फाइव बाई थ्री तो ये पहली वाली इक्वेशन में तो सेटिस्फाई हो गई तीन इक्वेशन बनिए ना एक तरीके से एक दो तीन पहली इक्वेशन में तो सेटिस्फाई हो गई चलो थर्ड इक्वेशन में देखो लेमडा की वैल्यू रखनी है टू बाय थ्री तो यानी इधर तो क्या तो माइनस फोर और माइनस सिक्स यानी माइनस टेन बाई थ्री और यहाँ पर भी एट थ्री या ट्वेंटी फोर फोर्टीन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टेन बाई थ्री तो यहाँ पर भी इक्वेट हो रहा है और यहाँ पर भी इक्वेट हो रहा है तो लेमडा की वैल्यू आपने सेकेंड मतलब जेकेप को जेकेब से कंपेयर करके आपने लेमडा की वैल्यू निकाली और उस लेमडा की वैल्यू को आपने फिर इधर दोनों रखा तो ये भी इससे कंपेयर हो गया और ये भी इससे कंपेयर हो गया दैट आपकी की वैल्यू एकदम करेक्ट है क्या है क्या अब आपका फाइनल रेशियो क्या था आपका फाइनल जो अपना एम एस टू एन का रेशियो होता है उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया था लेमडा एस टू वन में तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई टू बाई थ्री टू वन तो फाइनल रेशियो हो जाएगा थ्री को उधर ले जाएंगे टू इज थ्री आंसर दिस इज द रेशियो ऑफ डिविजन this is the ratio of division in which b is dividing a and c ठीक है आंसर मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर एट क्या था भी अपन ने टू इज टू थ्री यू कैन सी टू इज टू थ्री द फाइनल आंसर ठीक है समझ आया कनिष्का बोलो समझ आया सर बस ये m रेशियो n को अपन ने लैम्डा रेशियो वन के लिखा ये नहीं आया देखो मुझे बताओ फाइव टू को मैं लिख सकता हूं फाइव बाई टू वन इसमें कोई प्रॉब्लम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय लिख सकता हूं अब ऐसा करने से यह फॉर्म में है मैंने इसको लेमडा एस टू वन की फॉर्म में लिखा तो एम एस टू एन की फॉर्म में ही रखता अगर मैं तो उस फॉर्मूला में पुटअप करती सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्मुले में पुटअप करती एम और एन दो वैल्यूज होती जो मुझे फाइंड आउट करनी होती फाइंड आउट करना होता है और एन बी फाइंड आउट करना होता है और एम एस टू एन निकालना होता ये मेरा टास्क होता है लेकिन जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो वन की वैल्यू तो वन ही रहती है ना वो आपको फाइंड आउट करनी है कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वन तो वन ही रहेगा ऑल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू इज की वैल्यू तो लेमडा की वैल्यू सपोज करो आपने इसमें फाइंड आउट कर लिया बाई टू दूसरा रेशियो आपको बताया वन तो इसको आप एनी टाइम वापस कन्वर्ट कर सकते हो फाइव एस टू टू में समझ गए यस yes, सर एक टैक्टिक है जो अपन यूज करते थे एंड इवन क्लास टेंथ में भी सेक्शन आता था नहीं तो अपन के एस टू वन से तो टेंथ में भी यूज करते थे ठीक है बच्चों क्लियर है yes, sir. Yes, sir. तो फिर आज के लिए काफी है कितने क्वेश्चंस कवर किए आज हमने क्वेश्चन नंबर एट तक हो चुका है ठीक है है क्वेश्चन नंबर से जो है, हम कल की क्लास में देखेंगे तो इतने का वीडियो कंप्लीट करो मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही इसका टेस्ट लेंगे तो प्लीज आज की तारीख में पुराना सारी पेंडेंसी खत्म करो कल हम ये जो आठ दस क्वेश्चन बचे हैं कल संडे टाइम भी होगा तो नेक्स्ट हम बैक टू बैक क्लास लेकर बैक टू बैक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे ठीक है अब ऐसे ही कोर्स करना पड़ेगा अपने को तो आप आज बैठ के सारे वीडियोस अच्छे से देखो ऐसे मान के चलो कल टेस्ट है तो टेस्ट की तैयारी करने के हिसाब से आज पूरे वीडियोस देखो जिनके पेंडेंसी है जिन्होंने देख रखे हैं अच्छी बात है जिन जैसे भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज ये सर वीडियोस नहीं देख पाए कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं तो अब कल संडे है तो आज स्कूल जाए अगर जाना है तो जाकर वापस आओ और उसके बाद आराम से बैठ के वीडियो देखो कल इसका टेस्ट होगा क्लियर है और रिमेनिंग भी हम कल की क्लास में पहले करेंगे बाद में टेस्ट लेंगे So thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.